हमारे चंचल को हाथ लगाने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? नहीं, यह हमारे जीजी का घोड़ा है। झूठे कहीं के हमारे पिताजी के घोड़े को अपनी जीजी का घोड़ा कहता है? हाँ, यह हमारे जीजी का घोड़ा है और इसे हमारे जीजा महाराज ने हमारे जीजी को उपहार में दिया है। हमारे जीजा महाराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे जीजा महाराज में उतनी शक्ति नहीं कि हमारे पिताजी से लोहा ले सके। तुम जानते नहीं हो हमारे पिताजी को, वो बहुत वीर है। वो तुम्हारे जीजा जी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। खत्म तो तुम्हारे पिताजी होंगे। हमारे पिताजी को ये सब कहने का तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, यह भी बताता। यशोवर्धन, यशोवर्धन क्या कर रहे हैं आप? पिताजी। जीजा महाराज। ये तुम्हारे पिताजी हैं? ये तो हमारे जीजा महाराज हैं। नहीं, ये हमारे पिताजी हैं। यशोवर्धन आप सही हैं और बादल आप भी सही हैं। इसलिए आज के बाद आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। आज के बाद आप दोनों आपस में मित्र हैं। समझ में आया आप दोनों को? जा बना, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने चित्तौड़ में भेजे अपने खुफिया महकमे से कुछ और मालूमात हासिल की है और इंशाल्लाह शायद कुछ अच्छी खबरें हाथ लग गई है। मलिक कफूर, जब खबर अच्छी है तो उसमें शायद का क्या मतलब? शायद इसलिए जा पना, ये उड़ती उड़ती ताजा तरीन खबरें हैं। खबर के मुताबिक चित्तौड़ के शहजादे रतन सिंह ने सिंघल द्वीप के गोरा सिंह को राजपुताना में रोककर उसे अपनी सेना की प्रधान सेनापति के आदमी खिताब से नवाजा है। ये गोरा सिंह किस हस्ती का नाम है? जरूर इस शख्स को इतनी जल्दी भूल जाना हमारी बेजा गलती हो। ये वही शख्स है हुजूर जिसने रणथंभौर में हमारी फौज को बाहर से घेर कर हमें करारी शिकस्त दी थी और हमें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा काफी नुकसान हुआ। माफी आलीजा, रतन सिंह ने गोरा सिंह को प्रधान सेनापति बनाकर चित्तौड़ को मजबूती ही दी है। हाँ, लेकिन जहां तक सुनने में आया है चित्तौड़ के बाशिंदा इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। इंशाल्लाह हो सकता है दो एक रोज में रतनमल जैसे कुछ और भी चित्तौड़ वासी हमारे दरबार में हो। खबर तो खुश करने वाली है कफूर, न जाने क्यों इधर हमारा दिल भी चित्तौड़ जाने के लिए बेचैन है। आज हमें एक जंग जीतने से भी उतनी खुशी नहीं होती जितना खुश तुमने हमें ये खबर सुनाकर किया है। मलिक कफूर,
आज से पहले तुम कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी ताइवा। क्या बात है, आज बिजलियां गिराकर कयामत लाने का इरादा है क्या? हमें तन्हा छोड़कर कहां जा रहे हैं आप? रात को ज्यादा ही स्याह हो चुकी है जापन, और ऐसे मौके पर आपको किसी दूसरे की मौजूदगी पसंद नहीं। कि जब सूरज ही महफूज नहीं तो हमारी क्या भी साथ है, तो फिर हम अपने आप को क्यों इतना महफूज करें कि आपके दामन से पूरी रात महरूम रहे। तो आज हम अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ते हैं। जी चाहता है आज की रात आपके दामन में ही निकल जाए। तो बार बार बस ये वफा ही निकला। तुम्हारे कदम जब भी उठते थे हमें पहले ही खबर हो जाती थी। हमें मालूम था तुम्हारे गुस्ताख कदम किस जानिब उठेंगे। तुम्हारी चची जान से मिलने की बेकरारी भी उसे छुपी ना थी। एक तरफ तुम चची जान की तलबगार थी, और दूसरी तरफ तुम उनकी उतनी ही फिक्रमंद। देवगिरी की राजकुमारी का मंजर भी हमसे छिपाना था। वाह खुदा, तुम तो बुरके में भी हमारे जासूसों से अपने आप को छिपा ना सके। और जब तुमने देवगिरी की राजकुमारी को वह पुरसा दिया, उस वक्त भी तुम हमारे खुफिया महकमे की सत में थे। और जब तुमने अमीर खुसरो साहब के हाथ चची जान के लिए पैगाम भिजवाया, तुम्हें क्या लगा पैगाम हम तक नहीं पहुंचेगा? ये तुम्हारी बेवकूफी की इम्तिहा थी कि तुमने अपना पैगाम भेजने के लिए चुना भी तो अमीर खुसरो साहब को। इसके बाद कफूर के हाथों हमारे पास आया एक जीता जागता सबूत, जिसने हमारा शक यकीन में बदल दिया। उसने तुम्हारे मुखबिर को हमारे सामने पेश किया। तो तुम्हें कुछ कहना? खुदा हाफिज ताइवा। वफादारी दिल्ली दरबार का पहला असूल, बेवफा और गद्दारों की यहां कोई जगह नहीं।